रहमान रहीम। पानी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम ये दलिया जो हमने बनाया था चक्की पे, ये जो थोड़ा मोटा है वो हमने साइड पे निकाल लिया, जो बारीक है वो भी साइड पे निकाल लिया। सबसे पहले इसमें हमने मोटा ही ऐड करना है, जो मोटा पीसा हुआ ये ऐड करने लगे हम। ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलेंगे और इसको हलाते जाएंगे साथ साथ। गुड़, अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। ये जो ज़्यादा बारीक हमने निकाला था इसको हम अच्छे से जो मिक्स करेंगे, पहले पानी में हल करेंगे फिर दूसरे दलिए में जो है ना शामिल करेंगे, तो पतला करके शामिल करेंगे। अगर हम इसी तरह डालेंगे तो ये छोटी छोटी तेलियों की शक्ल इख्तियार कर देगा, इसलिए इसे अच्छे से हल करके डालना।
दलिया हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें हम मक्खन ऐड करने लगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करें। दलिया हमारा रेडी हो चुका है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसे ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। जैसे मौसम बदल रहा है आजकल, तो इस मौसम में ये वैसे भी सेहत के लिए, नज़ला बुखार ज़ुकाम इस तरह की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है, ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएँ और बुज़ुर्गों को ज़रूर खिलाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।